अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एम के अकेडमी। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कम्युनिकेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन की डिफरेंट चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा कम्युनिकेशन चैनल चूज़ कर सकते हैं या कौन से सिचुएशंस के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चैनल बेटर रहता है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और आप पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर ये तीन टॉपिक। नंबर वन इज़ चैनल रिचनेस, उसके बाद चूजिंग कम्युनिकेशन मेथड्स, एंड द लास्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो द फर्स्ट सब टॉपिक इज़ चैनल रिचनेस। चैनल रिचनेस का मतलब ये होता है, बेसिक मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो सके एक कम्युनिकेशन एपिसोड के अंदर। कम्युनिकेशन एपिसोड यानी कि अगर आपने एक फ़ोन कॉल किया तो उस एक फ़ोन कॉल के अंदर आप कितनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिफरेंट मीडियम्स के अंदर डिफरेंट रिचनेस होती है। यहाँ पर एक पिक्चर के अंदर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, टू वे रेडियो, रिटन एड्रेस डॉक्यूमेंट्स और अनएड्रेस डॉक्यूमेंट्स। अब बेसिकली ये होता है कि जो ये वाले मीडियम हैं इसमें हम ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिचर मीडियम्स हैं ये, और ये लीनर मीडियम्स हैं यानी कि इसके अंदर हम कम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती है। जब हम बात करेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, तो ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो हमें रैपिड फीडबैक देती है, यानी कि हम जान सकते हैं कि हमारा रिसीवर क्या सोच रहा है आफ्टर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ये सेफ़ होती है, क्योंकि जब आप कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो आपका एक किस्म का एक प्रूफ हो जाता है आपकी बात का, जो कि अवेलेबल रहता है हमेशा। लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन ये एक सेफ कम्युनिकेशन होती है कि आपने जिसको बोला बस आपकी बात वहीं तक रहेगी। सो ये होती है बेसिकली चैनल की रिचनेस। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या डाटा किस टाइप का है, उसकी प्राइवेसी के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो उस बेस पे आप इसमें से कोई एक मीडियम चूज़ कर सकते हैं फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ चूजिंग द कम्युनिकेशन मेथड। अब बेसिकली जब आप एक कम्युनिकेशन मीडियम चूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस्म का मैसेज जो है सेंड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एम्प्लॉय को। अगर आपने सेंड करना है एक रूटीन का मैसेज, तो उसके लिए बेहतर है कि आप यूज़ करें रिटन कम्युनिकेशन। रूटीन का मैसेज यानी कि ऐसा मैसेज जिसमें कि सबको मालूम है, जैसे आप स्केड्यूल सेंड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो किसी को भी उसमें किसी किस्म के क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म के रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है। जबकि अब हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पर सूटेबल रहती है जहाँ पर जो बोलने वाला है उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हों, जब वो बोले तो उसकी बात समझ आती हो। और आप ओरल कम्युनिकेशन चूज़ कर सकते हैं जब आपने अपने रिसीवर के जो आपकी बात सुन रहा हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू लेने हो, आपने उनका आंसर पता करना हो, आप जानना चाहते हो कि आपकी बात को सुनने के बाद उनका क्या रिएक्शन है, तो आपको यूज़ करनी चाहिए ओरल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जब आप कम्युनिकेशन मेथड या कम्युनिकेशन मीडियम चूज़ करें तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिसीवर से जिसको कि इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें कि आया वो हमसे ओरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं या रिटन कम्युनिकेशन से भी काम चल जाएगा। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेंट, उसकी वो होता है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों ताकि वो आपकी बात को मिस इंटरप्रेट ना करें आपका रिसीवर। इसके अलावा हमारे पास आती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस जो कि चीप होते हैं, इजीली सेंड किए जा सकते हैं और रिसीव किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस का सोर्स बनता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इससे डिस्टर्ब होते हैं, ये वो पर्सनल मैसेजेस शुरू कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए। तो इसका ये हिसाब रखना कि कौन पर्सनल मैसेजेस सेंड कर रहा है या काम के मैसेजेस सेंड कर रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिटन कम्युनिकेशन को टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जब हम रिटन कम्युनिकेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो ग्रामर इज़ अ मेन फैक्टर। ये ना हो कि कोई ऐसा मैसेज सेंड करे जिसके अंदर की ग्रामर ठीक नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट CEOs, उनके लिए ग्रामर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जब वो रीड कर रहे होते हैं किसी मैसेज को, किसी CV को, किसी डॉक्यूमेंट को। सोशल मीडिया के जहाँ तक बात है तो इसके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि डिफरेंट फ़ायदे हैं और नुकसान। फ़ायदे ये कि इसने जो है बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करवाया है,
उनको डेवलप करवाया अच्छे तरीके से, इसमें मदद दी, क्योंकि आप जो हैं अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों तक इजीली पहुंचा सकते हैं अपने कंटेंट को. तो इस लिहाज से सोशल मीडिया ने हेल्प किया. लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएँ जब आती हैं, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की या जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो सोशल मीडिया की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं और वो नॉइंगली और अननॉइंगली, यानी कि जानते हुए भी या उनको पता नहीं होता, और वो कोई बात कहते हुए, कुछ काम करते हुए, कुछ पोस्ट करते हुए कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो लूज़ हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की. तो इस लिहाज से भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये सोशल मीडिया को डिफरेंट लेवल्स पे अलाउ करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट द फैक्ट कि सोशल मीडिया प्रूव होता है बेटर, वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से जो है सोशल मीडिया को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं. इसके अलावा जब आप बात करें हों कम्युनिकेशन मेथड में हों, तो आपने चूज़ करनी है ओरल या रिटन कम्युनिकेशन. उस पर डिपेंड करता है कि आपको जानना है कि आपका जो सेंडर है, जो आप बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उस बात को लेकर क्या फील कर रहा है, उस बात में कितनी सच्चाई है या वो बात कितनी इफ़ेक्टिव है, ये जानने के लिए ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर रहती है. क्योंकि आप उस एम्प्लॉय को जो बात कर रहा होता है या उस मैनेजर को अपने सामने देख रहे होते हैं, और आप उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नोटिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पे एम्फेसिस करना है, इंपॉर्टेंस देनी है कौन सी चीज़ को और कौन सी चीज़ को नहीं. द नेक्स्ट थिंग इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. जब बात की गई टेक्नोलॉजी की, जब बात की गई सोशल मीडिया की, जब बात की गई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले कम्युनिकेशन मेथड्स की, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उनको अलाउ कर दिया जाता है सोशल मीडिया, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अमराज रखे जाते हैं या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चेक रखा जाता है, तो अक्सर उनकी अपनी एक एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी सिक्योर नहीं रहती. तो इससे इफेक्टिवनेस लूज़ होने लगती है एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो अपने पर्सनल डाटा को लेकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं. तो इसके लिए आपको ऐसा कम्युनिकेशन मेथड, ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम चूज़ करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको लेकर कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी एतमाद में ले सकें और उनकी भी राय ले सकें कि कौन सा कम्युनिकेशन मेथड बेटर रहेगा, ताकि उनके भी जो हैं डाटा वगैरह लूज़ ना हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लूज़ ना हो. ये थी कि आप कैसे चूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.